और एक बात, ये जब आप माला करते हो, अगर आप अनियन खा रहे हो, गार्लिक खा रहे हो, हरे कृष्णा, माला जो आप कैसे करते हैं? चलिए आइए मैं सिखाती हूँ आप। सबसे पहले तो हमारे पास ऐसे 108 मनके की माला होनी चाहिए। माला में कभी भी इंडेक्स फिंगर इसे टच नहीं होना चाहिए। और ये जो है लाल वाला, ये जो है ऊपर, ये इसे सुमेरु कहते हैं। सुमेरु पे हमें मंत्र जाप करना होता है, उसके बाद ही हमें हरि नाम का करना होता है। और वो मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो हमें सबसे पहले यहाँ मंत्र पढ़ना है, उसके बाद हमें इसे इधर मंत्र, एक एक मंत्र पे एक एक मंत्र होना चाहिए। क्योंकि कभी भी ना आप ऐसे 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 फास्ट फास्ट नहीं करना है, एक एक मंत्र पे आराम से एक एक मंत्र आप बोल सकते हैं। जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजब पूरा करके यहाँ 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 आ जाते, फिर से यहाँ पे आ जाते हो। इसे कभी भी लांगना नहीं है, इसे कभी भी सुमेरु को लांगते नहीं है। इसे ऐसे हमारी ऐसी माला हो गई। माला होने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे, लाइक दिस। ओके, एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये माला होने पूरा, एक एक माला होने के बाद हमें इसको ऐसे पकड़ना है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको आप लोनली फील कर रहे हो, अगर सैड फील कर रहे हो, तो आप माला माला एक बार करके तो देखो। आपका एक ऑरा इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आप नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हो। आप धीरे 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 आपको पॉजिटिव वे में आपको कन्वर्ट कर देंगे कृष्णा, ज़रूर। और चैंटिंग के प्रभाव से आप जो नेगेटिव थॉट से, जो नेगेटिव विचार से घिरे हुए हो ना, ये धीरे 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 पॉजिटिव वे में बदल जाएंगे। और आपको ये मतलब फास्ट 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 नहीं होता है ये। जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे नाम जाप करने लगते हो, कीर्तन करने लगते हो, आप खुद ही, जब आप खुद ही चेंज हो जाते हो, आपको भी पता नहीं चलता। द मर्सी ऑफ हरिनाम, इसके हरिनाम के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत मतलब बहुत अनलिमिटेड, गिने भी नहीं सकते हम। इसीलिए कि जितना हो सके हरिनाम चैंट करो, हरि बोल। और चैंटिंग से स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम कृष्णा के और करीब जाते हैं, उनके लोटस फीट में हम जाते हैं धीरे धीरे धीरे। और हरिनाम चैंटिंग से आपको पीस मिलता है, आपको शांति मिलती है, और आपका मन शांत रहता है। आपका माइंड जो है, जो इधर उधर 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 भागता रहता है, वो आपको कंट्रोल में हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अगर आप जाप करते हो तो किसी को, किसी के बारे में आपको बुरा सोचना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है। क्योंकि जब आप जाप करते हो ना, तो आपके जो जो टंग है ना, हमारे उधर भगवान विराजते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। इसीलिए हमें किसी को बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना भी नहीं है किसी का। और हमें जब जब हमें जब हम चैंटिंग करने लगते हैं ना, तो हम किसी को बुरा सोच भी नहीं सकते और किसी को बुरा बोल भी नहीं सकते। अगर आप अभी भक्ति में आए हो, अगर आप अनियन गार्लिक खाते हो, तो आपके आपको ऐसी नीम की माला मिल जाएगी। आपको नीम की माला से जाप करना होगा। और अगर आप अनियन गार्लिक और आपने कंठी माला पहन रखी है, चंदन से माला भी, चंदन की माला से जाप कर सकते हैं। अगर आप तुलसी माला से करना चाहें, तो आप अभी नहीं कर सकते, आपकी दीक्षा हुई है तभी आप कर सकते हो। आपकी दीक्षा अगर नहीं हुई है, तो आप तुलसी माला से जाप नहीं कर सकते। तुलसी माला से जाप करते हैं तो आप, उसके बहुत सारे नियम होते हैं, उनको हम उस उन नियम को हमें पालन करना ही होता है। और वो नियम क्या है? हमें स्वच्छ आसन पे बैठना होता है, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, ये शरीर शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए जब हम दीक्षा लेते हैं, तभी हम तुलसी माला से जाप कर सकते हैं, वरना आप ऐसी नीम की माला और चंदन की माला से जाप कर सकते हैं। और
और आपको ऐसी वाली बीट बैग आ जाएगी, ऐसी वाली बीट बैग आ जाएगी। सिंपली हमें क्या करना है, इधर ये जो इधर हाथ, इधर हमारा हैंड जाता है, एंड इधर जो ये है, इधर हमारा इंडेक्स फिंगर फिंगर आ जाता है। इंडेक्स फिंगर इधर, माला को कभी भी टच नहीं, इस इंडेक्स फिंगर से कभी भी टच नहीं करना होता है, इसलिए हमें ये बीट बैग आनी चाहिए। ये बी जब आप माला करो ना, तो इस तो ये माला आपको किसी को दिखाना नहीं है, इसीलिए हम बीट बैग से जाप करते हैं। और आप जब इस माले से जाप करने लगते हो, तो आपको ये माला किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस माला में आपकी साधना है। अगर आप अपनी माला उन्हें दे देते हो, तो आपकी सारी साधना उन्हें उन्हें चली जाती है। तो इसीलिए हमारी माला हमें कभी भी शेयर नहीं करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नाम रूप में अवतार लिया है, इसीलिए उनमें उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं। भगवान कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। माया देवी स्ट्रांग नहीं होती, माया देवी होती है स्ट्रांग, लेकिन हम भक्तों के लिए नहीं होती, क्योंकि पहले पहले ऐसा होता है कि माया देवी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन माया देवी स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन हमारा प्यार है जो कृष्ण के लिए है, वो थोड़ा सा वीक होता है, इसीलिए हम माया देवी के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। आपका मन कहता है छोड़ो, कल करेंगे, आज करेंगे, मतलब ऐसा ऐसा आप मन की बात आप जब मानते हो ना, तो आपको माया देवी ना ऐसे ऐसे पकड़ लेती है और आपको कभी छोड़ती ही नहीं है, और कृष्णा को भी भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इस भौतिक जो जगत में आए क्यों है, हम कृष्ण की भक्ति करने आए हैं, हम उन्हें प्रॉमिस कर चुके हैं, हाँ मैं इस जब भौतिक जगत में आऊंगी, भरपूर भरपूर मतलब बहुत 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 भक्ति करूंगी। लेकिन हम जैसे ही इस भौतिक जगत में आते हैं, हम इस मायावी संसार में इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हम कृष्ण को भी भूल जाते हैं, उनका जो हमने प्रॉमिस किया था, हम उसको ही भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कृष्णा ने आपको याद दिलाया, जब कृष्णा ने आपको याद दिलाया कि भक्ति, आपके मन में अगर ऐसा भाव आया है कि हाँ भक्ति करनी है, तो आपको कृष्णा ने आपको बताया है, तो आपको प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए और आपको भक्ति करनी चाहिए। यही तो हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है, भक्ति करना, भक्ति करना, इतना भक्ति करना, इतना भक्ति करना कि धाम मिल जाए, फिर हम भगवान के पास वापस चले जाएं, फिर हम इस भौतिक जगत में फिर से आना ही ना पड़े, फिर से हमारा जन्म ही ना हो, हम कृष्ण के पास रहे, उनके पास रहे, इसीलिए तो हम भक्ति करना चाहते हैं। कर